आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे घर में बनाए जाते हैं एक बहुत ही पावरफुल सर्वो मोटर जो मैक्सिमम 10 किलोग्राम वेट की सामान खींचने की क्षमता रखते हैं। सर्वो मोटर कई प्रकार के होते हैं, ये रोबोटिक्स वर्क में बहुत ही काम आते हैं, बट इस सर्वो में एक लिमिट पावर होते हैं जो बिग वर्क करने के लिए नहीं बने हैं और इसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। क्या आप चाहते हैं सर्वो को ब्रिक प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए? आज के इस वीडियो में सर्वो के बारे में सारे जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या आपको जानना है ये कैसे मुमकिन है? तो वीडियो का आखिर तक देखते रहिए। सर्वो कैसे काम करता है वो देखने के लिए मैं एक सर्वो को खोला और देखा, मैंने इसमें बहुत सारे गियर है और एक छोटा सा मोटर है और इस सारे चीज़ को कंट्रोल कर रहा है इस AA51880IC। ये एक सर्वो कंट्रोलर चिप है। ओके, एक बार देख लेते हैं ये सर्वो कैसे काम करता है। सर्वो में मोटर के पावर ज़्यादा करने के लिए बहुत सारे गियर यूज होता है जिसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत पावरफुल भी हो जाता है। सर्वो के आउटपुट शेप एक 5K वेरिएबल रजिस्टर के साथ अटैच्ड होता है जो 51880IC को फीडबैक देते रहते हैं। इससे 51880IC समझ पाते हैं आउटपुट शेप कितने डिग्री रोटेशन हो रहा है। अब सवाल है, इसको रोटेशन करने के लिए कैसे पावर की ज़रूरत है? सर्वो में नेगेटिव, पॉजिटिव और सिग्नल पिन होते हैं। बेसिकली ये सर्वो 50 Hz पल्स से काम करता है। 20 मिलीसेकेंड पल्स में ये 0 डिग्री रोटेशन करते हैं, 2 मिलीसेकेंड में ये 90 डिग्री एंगल में आते हैं, 1 मिलीसेकेंड पल्स में ये 180 डिग्री रोटेशन होते हैं। सर्वो के बारे में सारे चीज़ जान लिया है, अब मैं एक बिग सर्वो बनाने वाला हूँ। मैं एक वुडन पीस में ड्रिल से होल किया जिसके अंदर एक बियरिंग फिट हो सके। मैं यहाँ यूज़ किया 6x6 बियरिंग। आप कोई भी बियरिंग यूज़ कर सकते हो। लो स्पीड हाई टॉर्क गियर कैसे बनाते हैं वो देखते रहिए। मेरा हाई टॉर्क गियर रेडी है। देखते हैं ये कितना पावरफुल है। ये एक 6 kg वेट का बैटरी है। इसको मैं गियर के आउटपुट शेप में जोड़ दिया और देखिए ये बहुत ही आसानी से इसको खींच रहा है। गियर के आउटपुट शेप में एक एंगल लगा दिया जिससे कितने डिग्री एंगल में रोटेट होगा वो दिखने में आसानी होगी। और आउटपुट शेप में एक 5K वेरिएबल रजिस्टर भी लगा देंगे जिससे IC को फीडबैक मिलते रहेगा। ये एक L293D IC है जो एक मोटर ड्राइवर IC है जो सर्वो के आउटपुट को हाई वोल्ट में एम्पलीफाई करने वाला है। इस IC से 2 मोटर एक साथ कंट्रोल हो सकता है। फिलहाल मैं एक करने वाला हूँ। इस IC के 2 और 7 नंबर पिन इनपुट पिन है जो 51880IC से जिस मोटर सिग्नल आउट होता है वो इस पिन के साथ अटैच होगा। 6 और 3 नंबर पिन आउटपुट पिन है जो मेरा बनाया हुआ गियर बॉक्स के मोटर के साथ अटैच होगा।
18916 पिन पॉजिटिव पिन है, 45312 नेगेटिव पिन है, जिससे 12 वोल्ट इन होगा। और 51880 आईसी में जिस 5 वोल्ट के ज़रूरत है वो आर्डिनो या आप जिससे ये सर्वो चलाना चाहते हैं उससे इन होगा। ओके, फाइनली मैं इसको तैयार कर दिया, अब मैं इसको चेक करने वाला हूँ। आर्डिनो में एक छोटा सा सर्वो कंट्रोल कोड अपलोड कर दिया, जिसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोड से मैं एक नॉर्मल सर्वो को रोटेट करके देखता हूँ। देखिए ये कैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। मेरा सर्वो आप चेक करेंगे, इसमें 12 वोल्ट पावर सोर्स जोड़ दिया, आर्डिनो से पॉजिटिव नेगेटिव और सेंस पिन का वायर भी जोड़ दिया। आप ध्यान से देखिए, ये भी 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री में रोटेट हो रहा है। इसी तरह आप हाई टॉर्क सर्वो बना सकते हैं बहुत ही लो प्राइस में। आशा रखता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही सच वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को एनेबल करना मत भूलिए।